हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी दिन से। इसका भी दो तीन वर्जन मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ। ये कराची बेकरी का जो कुकीज़ है, एक जीरा और एक चॉकलेट शूट, वो भी मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं ये फ्रूट एंड नट वाला सोचा कि ये भी ट्राई करके देखते हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा था, लगभग 80-90 रुपये का पड़ा मेरे को। 500 या 400 ग्राम्स का पैक है। मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, पीछे ये डिटेल्स है सारा 400 ग्राम का। सो वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बट मैं इसको यूज़ किया हूँ कुछ दिन तक। सो दिखा देता हूँ, सेम वही पैकेजिंग है जैसा सबने था, सेम वही पैकेजिंग है, देख सकते हैं। और इसको मैंने खोला है ऐसे। अच्छा, इसमें ये भी है, कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं, तो ये है बिस्किट जो कुकी, और ये दूसरे कुकी से थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में, देख सकते हैं आप लोग। ये थोड़ा चिपक गया, सॉफ्टर साइड में ये थोड़ा। इसमें फ्रूट मतलब टूटी फ्रूटी दिया है और थोड़ा बहुत काजू वाजू, थोड़ा बहुत बाई चांस मुँह में आ रहा है वैसा फ्लेवर आता है। बाकी उतना कुछ खास मेरे को फ्लेवर पसंद नहीं आया। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा मीठा और थोड़ा पता नहीं और पानी या पता नहीं क्या सुपारी का अलग सा तो एक फ्लेवर आता है, तो एसेंस दिए होंगे शायद से, क्या पता। और ये जो भी अच्छा है ट्राई कर सकते हैं, पसंद आया तो देखिए। बाकी मैं तो खाते ही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं मिलता। नहीं तो मेरे को तो अब तक सिर्फ जीरा वाला ही ज़्यादा पसंद आया था, और ये भी ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, बेकरी वाला बिस्किट कुछ अलग करने की कोशिश कंपनी की तरफ से, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्टर है, पता नहीं शायद टूटी फूटी की वजह से होगा। बाकी अच्छा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइएगा मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आपको ये। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो। और मैं इस प्रोडक्ट का लिंक अपने चैनल में दे दूँगा, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। थैंक यू।